स्वागत है दोस्तों टुडे न्यूज में। तो इस वक्त एक बड़ी वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े पंच की हत्या, गांव में फैली सनसनी। जांजगीर में दो युवकों ने जमीन विवाद के चलते बीच गांव में पंच की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहां से हाथ में हथियार लिए युवक ने कहा कि उसी ने मर्डर किया है, क्योंकि उसकी जमीन को जबरदस्ती बिकवाने की कोशिश की गई। अभी इसमें शामिल चार और लोगों को भी मारूंगा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक तुस्मा गांव निवासी सहित कुमार कैमर्ट और सुनील कुमार कैमर्ट ने जमीन को लेकर पंच भागवत साहू से विवाद था। आरोप है कि दोनों युवकों ने शनिवार को बीच गांव में धारदार हथियार से भागवत की हत्या कर दी। इसके बाद गांव में बनी पानी की टंकी पर हथियार लेकर चढ़ गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन वे उरतने को तैयार नहीं थे। दोनों मीडिया को बुलाने की जिद कर रहे थे। टीआई रविंद्र अनंत ने बताया कि तुस्मा गांव के पंच भागवत साहू की रक्तरंजित लाश मिली है। दो युवकों सहित कुमार कैमर्ट और सुनील कुमार कैमर्ट ने जमीन विवाद की वजह से वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी गांव के पानी टंकी में चढ़ गए थे और मीडिया के आने के बाद ही नीचे उतरने की जिद कर रहे थे। मीडिया के सामने ही उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। बताया जा रहा है कि भागवत साहू वार्ड 17 का पंच था और जमीन दलाली का भी काम करता था। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।